सतना के उत्तर में पवित्र नगरी चित्रकूट है, जहां से करीब 40 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित पहाड़ है। इस त्रेता युगीन पहाड़ को प्रदेश सरकार ने खनिज लीज के रूप में देने की तैयारी कर ली है, जिसे लेकर विवाद छिड़ गया है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने राज्य सरकार पर हमला बोला। मामले में क्षेत्र के कई नेता और ऋषि मुनि सहित ग्रामीणों ने भी आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि चित्रकूट 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग पर स्थित पहाड़ सरभंग ऋषि आश्रम पहाड़ और सुतेक्षण आश्रम पहाड़ ऐतिहासिक धार्मिक स्थल माने जाते हैं, जिसमें से पवित्र सिद्धा पहाड़ को अस्थि समूह माना जाता है। वहीं मैहर और चित्रकूट विधायक का कहना है कि सिद्धा पहाड़ पर खनन लीज किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारी प्राकृतिक धरोहर है। ये सभी पर्वत भगवान श्री राम के वनवास काल की निशानी है। सरकार को चाहिए कि इस वन क्षेत्र में लगभग 28 से 30 बाघ विचरण कर रहे हैं, इसे सरकार सेंचुरी बनाकर संरक्षित करने का प्रयास करे। भारतीय जनता पार्टी लगातार चित्रकूट जो परिक्षेत्र है, जो 84 कोस का क्षेत्र है, जो भगवान राम का विहार स्थल रहा है, जहाँ भगवान राम ने अपने 11.5 साल वनवास के खाते हैं, चाहे वो चित्रकूट की सती रसोईया हो, चाहे वो सरभंग ऋषि का आश्रम हो, चाहे सुदीक्षण आश्रम हो, चाहे सिद्धा पहाड़ हो, चाहे धारपुरी आश्रम के आसपास का जो घनघोर जंगल, सारे जगह सब जगह गवर्नमेंट द्वारा लीजें दी गई हैं। और लेफ्ट साइड बैक साइड का अवैध जो अवैध रूप से सत्ताधारी लोग खनन लगातार करते आ रहे हैं। राम जी वहां सौगंध खाए कि दुष्टों का संपूर्ण विनाश कर दूंगा उस पहाड़ी को। कुछ लोग व्यवसाय के उद्देश्य से वहां धंधा व्यापार करना चाहते हैं, उस सिद्धा पहाड़ को खोद कर अपना व्यापार चलाना चाहते हैं। जहां राम जी ने सौगंध लिया कि दुष्टों का विनाश करूंगा इन हड्डियों के कारण, उस हड्डी को खोद कर उस हड्डी के पहाड़ को निकालकर अपना धंधा चलाने वाले लोगों का भी कल्याण नहीं होगा।